हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. गुड मॉर्निंग. आज है संडे एंड इट्स गोइंग टू बी अ लेजी डे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So, I always start with my day with, of course, water. और ये पता है क्या, बहुत छोटी सी चीज़ है ये, लेकिन this is so important. मतलब क्योंकि सुबह you know जैसे रात को काफ़ी ब्रेक के बाद हम उठते हैं, तो it is very important to hydrate your body. So yes, cheers. And again sunny weather है, तो देखते हैं. अभी तो ये रात सो रहे हैं, थोड़ा सा वो ढीला है आज तबीयत वाइज. फीवर वगैरह नहीं है, बट हल्का सा आई थिंक थोड़ा कोल्ड है, क्योंकि वो ना रात को जो है ब्लैंकेट वगैरह सब ऐसे उतार देता है, तो वो शायद इस वजह से उसको थोड़ी सी ठंड लग गई है. देखते हैं बाकी, बट आई वॉन्ट हिम कि वो बाहर जाए, क्योंकि बाहर जाता है ना तो थोड़ा ठीक रहता है. सो बाकी आई जस्ट थॉट कि आज का दिन आपसे शेयर करते हैं. और मैं आपको दिखाती हूँ, एक ऑलरेडी चीज़ आई हुई है सुबह सुबह. Let's see. और ये मेरा है कोरिएंडर सीड वाटर. इसको मैं रख देती हूँ गैस पे, अभी इसको मैं पीती हूँ. सो ये एक्चुअली आपकी यू नो थायराइड हार्मोन में हेल्प करता है, सो आई ऑलवेज हैव इट इन द मॉर्निंग. ये थायराइड वाला, ये मैं कोरिएंडर सीड वाला आपको बता देती हूँ. जिनको भी थायराइड है ना, जैसे मुझे मतलब थायराइड ऐसे था कि पहले था, तो फिर मैंने योगा से और ये सब चीज़ें करके ना, मतलब है जो नेचुरल होती है उससे मेरा थायराइड कंट्रोल में रहता है, तो मुझे पिल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और कई बार ऐसा भी फेज़ होता है जब मैं पिल भी खाती हूँ और ये वाला पानी वगैरह भी पीती हूँ. जैसे होता है ना कि आप कुछ मैनेज नहीं कर पा रहे हो अपने थायराइड, मतलब इम्बैलेंस हो रहा है, तब देन आई टेक द पिल ऑल्सो एंड आई टेक दिस वाटर ऑल्सो. तो थायराइड के लिए ना मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप थायराइड को नेचुरली ठीक कर सकते हो. बहुत एफर्ट लगता है, बट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि अपने लिए ये एफर्ट ज़रूर करना चाहिए. और यू नो अगर आपको थायराइड है तो ये वाला जो ड्रिंक है ना, कोरिएंडर का ड्रिंक, ये बहुत अच्छा होता है. मैं आपको दिखा देती हूँ इसको मैं कैसे. तो जैसे ये है ना, अभी तो ये गर्म होएगा, तो इसको बेसिकली जब ये बॉयल हो के हाफ रह जाएगा ना, रिड्यूस होके, तब इसको मैंने पीना है छान के. सो अभी इसको रख देते हैं, बाकी आपको मैं ग्रोसरी दिखाती हूँ. ये वॉलमार्ट से ऑलरेडी ग्रोसरी आ गई थी व्हाइल यू नो आई वाज स्लीपिंग, तो वो बाहर ही रख जाते हैं. इसको उठा देते हैं. सो गाइज, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ आपके फायदे के लिए. क्योंकि जब से मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला है, इंस्टाकार्ट अगर आप कनाडा में हो तो, सो ये प्लेटफॉर्म जब से मुझे पता चला है, मैं तो आई मीन आई कांट थैंक इट इनफ. क्योंकि जब आप मंडे टू फ्राइडे एक्चुअली वर्क करते हो, तो आपको ग्रोसरी लाने के लिए, मतलब ग्रोसरी लाने के लिए आपको स्पेशली एक दिन निकालना पड़ता है, या यू हैव टू काइंड ऑफ उसको यू नो ग्रोसरी लेने के टास्क को आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिवोट करना पड़ता है अपने दिन में. लेकिन यू कैन जस्ट ऑर्डर इट. अब मैं क्या करती हूँ, जैसे वाइल आई एम गोइंग टू वर्क या वापस आते हुए, आई जस्ट ऑर्डर इट. और अब एक ऐसे वीकली रूटीन बन गया है कि जैसे कल मैंने ऑर्डर कर दी थी रात को. अच्छा, बेसिकली इसमें बेस्ट जो है वो ये आप करो कि आप रात को ग्रोसरी ऑर्डर करो, ताकि वो अगले दिन आए. तो उससे क्या होता है ना, आपको सारा सामान कुछ भी मतलब आउट ऑफ स्टॉक नहीं होएगा. पहले मैं क्या करती थी, जैसे शाम को ऑर्डर करती थी तो वो रात को आती थी, तो उस टाइम तक सारा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी, तो मिलती नहीं थी. लेकिन अब मैंने कल लेट नाइट किया, तो वो अगले दिन के लिए शेड्यूल हुआ. और आज सुबह सुबह आ भी गया, मैं तो सो रही थी, तो उसने मुझे कॉल भी किया था ड्राइवर ने, बट मैं उठा नहीं पाई बिकॉज आई वाज स्लीपिंग. तो वो मेरे गेट के बाहर ही रख गया था, और उसने मुझे एक मैसेज डाल दिया था, तो मैंने बस गेट से अंदर रख के मैं फिर से सो गई थी. तो अभी उठ के मैं इसको सारा अनपैक करूँगी. बट ये ऐसे ही होता है कि आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता अगर आप मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग का स्लॉट चूज़ करते हो तो.
और हाँ, इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पे बहुत सारे वेंडर्स हैं, जैसे वॉलमार्ट है, रियल कैनेडियन स्टोर है, आपका नो फ्रिल्स है, इवन मेकअप के भी, सफोरा है, फिर किड्स का कुछ है, बहुत सारे मैं यहाँ पे लिस्ट कर दूंगी. अगेन दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, दिस इज़ जस्ट माई रिव्यू और मेरे को बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये कंसेप्ट. और इसमें आपको एक यू नो $100 की एक फ़ी देनी होती है पर ईयर, ठीक है? तो पर ईयर के लिए $100 इज़ ओके. तो आपको घर पे ग्रोसरी मिल जाती है और इसमें ये होता है $35 से अबव की होनी चाहिए अगर आपको फ्री डिलीवरी करनी है, जो कि हमेशा होती ही है क्योंकि आप दूध यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मंगवा सकते हो आराम से. और मेरे को तो बहुत पसंद है ये प्लेटफॉर्म और मेरा ग्रोसरी लाने का जो सारा रूटीन होता है ना, बहुत ही स्मूथ हो गया है अब, क्योंकि घर पे आ जाती है यार. और अगर एक दो चीज़ कोई नहीं मिलती तो वो जाके ऐसे ले आओ. और आई थिंक इट्स वेरी गुड. तो मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है. सो ये इसमें जो है ना 16 होते हैं, 16 योगर्ट टाइप, बहुत अच्छा है. हम लोग सब अपने अपने साथ ले जाते हैं इसको, कहीं पे भी जाते हैं ना, यूवी को लंच में दे देती हूँ, मैं ले जाती हूँ और मैं खा लेते हैं इसको. वेरी नाइस. ये है गोभी. तो कौन वो पूरा फूल मंगाया उसको काटे. तो ये फ्लोरेट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मैं बना चुकी हूँ, ये मंगा सकते हो. मुझे लगता है मुझे इस ब्लॉग का नाम रखना चाहिए डायरीज ऑफ अ लेजी एस. जो ऑरेंज होता है ना, दैट इज नॉट संतरा, दिस मैंडरिन इज संतरा. तो ध्यान रखना. एप्पल्स का ऐसे बैग मंगा लेते हैं. वाओ, वाटरमेलन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, ये देखो है ना, आई लव वाटरमेलन. तो क्या होता है ना, पूरा अब हमारा हफ्ता सॉर्टेड हो गया. और ये सब चीजें ना योगर्ट वगैरह यूवी के लिए इसलिए मंगा के रखती हूँ क्योंकि एक तो इसको वहाँ पे इसके प्री स्कूल में देने में ईजी रहता है और ये बच्चों को ऐसी चीजें अच्छी लगती है ना, जैसे ये आइसक्रीम टाइप लगता है उसमें ट्यूब में, बट इट इज एक्चुअली योगर्ट विच इज गुड फॉर किड्स. और हाँ, जैसे इसको कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता है और मैंने देखा है ना आजकल 90% बच्चों को, स्पेशली किड्स एंड टॉडलर्स में, मतलब छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है. तो उसके लिए आप यही करो कि योगर्ट उनका मस्ट करो. तो उसमें जैसे यू नो इसमें कैल्शियम विटामिन डी भी है और योगर्ट इज लाइक वो आपके जो सिस्टम है उसको ठीक करता है. और अब जैसे ये देखो, ये दो एप्पल्स है ना, ये खराब थे उस बैग में. तो ये जो शॉपर है उसकी गलती नहीं है क्योंकि बैग में थे. हम भी होते तो हम बैग ऊपर से देख के लाते ना. तो ये मैं उस पर प्लेटफॉर्म पे फीडबैक डाल देती हूँ. और आज एक्चुअली फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, तो मैं भी अभी करके देखूंगी. तो मैं उस पर डालती हूँ फीडबैक, फिर देखते हैं, शायद इसकी फोटो खींच के उनको देना होगा. सो इट्स नॉट अबाउट कि दो ही तो है यार, छोड़ो. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है, बिकॉज यू हैव एक्चुअली पेड फॉर इट, तो आपको एटलीस्ट फीडबैक तो देना चाहिए. ठीक है वो आपको वापस ना दे कुछ या समथिंग, बट आई शुड गिव देम अ फीडबैक कि भैया ये ऐसे आया है. ठीक है, अब तो अब तक आप लोग को पता चल गया होगा कि कैनेडियन टायर मेरा फेवरेट स्टोर है. तो मैंने वहां से ना ये क्रॉकरी का सेट लिया ना, बहुत अमेजिंग लगा मुझे. मतलब अमेजिंग क्या, अच्छा है. मतलब ना, क्योंकि अब जब से कोविड का टाइम आया तब से ऐसे कोई गेट टुगेदर्स वगैरह तो होते नहीं है घर पे. तो फॉर अ फैमिली, मतलब जैसे ये 4 का सेट है, तो 4 क्वार्टर प्लेट्स हैं इसमें और 4 ये नॉर्मल प्लेट्स हैं. और ये बोल्स मुझे बहुत अच्छे लगे. सो एक्चुअली कभी भी प्लास्टिक में नहीं आपको खाना चाहिए. तो जैसे गर्म सब्जी होती है तो मैं नॉर्मली स्टील की कटोरी वगैरह यूज़ करती हूँ, वैसे वो मैं इंडिया से लाई थी. तो बिकॉज आई एम अ बिग बिलीवर कि ये जो भी आपके फैंसी प्लास्टिक के होते हैं ना, यू कैन नेवर यूज़ प्लास्टिक. और कभी भी जैसे गर्म सब्जी हम प्लास्टिक के डब्बों में खा ले ना, कभी नहीं. मैं तो नहीं खाती, हमारे घर में नहीं खाते. या तो स्टील की डब्बी हो, या तो स्टील के बर्तन हो, या फिर ऐसे कुछ सिरेमिक. ठीक है, तो ये मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा है, आप ऑर्डर कर सकते हो. मैं इसका लिंक दे दूंगी. और ये मैंने अगेन ऑफर पे लिया था. सो कैनेडियन टायर पे ना, या किसी भी स्टोर में मोस्टली, और स्पेशली कैनेडियन टायर में ना ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं. तो कीप अ चेक ऑन दैट. आपको जो भी सामान लेना ना, उसको मैं क्या करती हूँ, मैं कार्ट में डाल देती हूँ और फिर उसको फॉलो करती रहती हूँ. कि और होता है कि जैसे 10 दिन बाद सेल आ गया उसके ऊपर, तो फिर मंगा लेती हूँ. नहीं आता तो रेगुलर प्राइस पे मंगा लेते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत की होती है.
अगर ऐसे होता है कि बिना उसके भी काम चल रहा है तो सेल का वेट कर लेते हैं. सो आई थिंक यू शुड डू स्मार्ट शॉपिंग. और ये इसका मैं लिंक ज़रूर डालूंगी. मुझे अच्छा लगा, आप ऑर्डर करना ज़रूर. एंड स्टॉप ईटिंग इन प्लास्टिक कंटेनर्स, स्पेशली गर्म सब्जी जब होती है या कोई भी गर्म खाना प्लास्टिक में नहीं कभी भी. सो अभी मैं ये अपना क्यूक्यूम्बर वाटर लेती हूँ. और गाइज अभी सब सो रहे हैं तो आई एम ऑल्सो जस्ट चिलिंग. अभी मैं कोई ब्रेकफास्ट के लिए रश नहीं कर रही. सो मैं जस्ट अपना ये यू नो कोरिएंडर सीड वाटर पी रही हूँ. एंड आई थॉट कि मैं आप लोग से शेयर करूँ. कल 12th फेब्रवरी थी यहाँ पे. एंड 12th फेब इज़ माई लाइक दैट इज़ द डे माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे. एंड अगर आप मुझे यू नो फॉलो करते हो या आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं सो यू वुड नो कि मैं उनसे कितनी ज़्यादा अटैच्ड हूँ. एंड मैं हमेशा ये कहती हूँ अटैच्ड हूँ, अटैच्ड थी नहीं कहती, क्योंकि जब आप किसी के साथ बहुत क्लोज होते हो ना तो वो आपको ऐसा लगता है कि वो ना होते हुए भी आपके साथ. आई फील दिस फॉर हिम. एंड मैंने एक यू नो कल मैं ऐसी बैठी थी और मैं अपना पुराना यू नो जो फ़ोन का बैकअप होता है लैपटॉप में वो देख रही थी. और सारी मैंने यू नो उनकी पुरानी फ़ोटोज़ वगैरह निकाली और मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल रील बनाई थी उनकी. वो मैं यहाँ पे लिंक कर दूँगी. एंड आई लव दैट वन. और मैं इंस्टाग्राम का अपना यहाँ पे हैंडल डाल देती हूँ, आप उस पर जाके वो रील को ज़रूर देखना. एंड इट इज़ सो इमोशनल फॉर मी. उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ स्नैपशॉट मैं यहाँ पे डाल दूँगी. और मतलब कई बार ऐसे रिलेशन्स होते हैं ना कि आप मतलब उससे बाहर में आना भी नहीं चाहती बट दे सो क्लोज टू यू. मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई रिलेशनशिप है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और यू नो मॉम डैड, डेफिनेटली मॉम डैड आर द बिगेस्ट सपोर्टर्स एंड दे आर द वंस जो आपको बहुत प्यार करते हैं. लेकिन जो दादा दादी वाला प्यार होता है ना, लकीली मतलब आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल सेइंग दिस, लकीली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स. एंड माई दादी इज़ डूइंग वेरी वेल, शी इज़ इन गुड हेल्थ एंड एवरीथिंग एंड गॉड गेव हर गुड हेल्थ. बट माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे 6 years back एंड बट दे आर बोथ सो स्पेशल फॉर मी. और इतनी अच्छी मेमोरीज है मेरे पास. मतलब मुझे एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर याद है. जैसे मैं आपसे एक इंस्टेंस शेयर करती हूँ. मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी, मतलब 2009 में स्कॉलरशिप मिली थी. और उस टाइम मतलब जब आप कुछ कमाते नहीं हो उस टाइम मुझे 1.5 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी. और मैंने मतलब मुझे चेक मिला, जब मुझे आज भी याद है, मुझे दो पार्ट्स में मिली थी वो. तो 75,000 के दो चेक्स मिले थे. और जब मुझे वो चेक मिला मतलब मैं पागल हो गई थी कि मुझे घर जाके अपने बाबा जी को, मतलब आई यूज़ टू कॉल हिम बाबा जी, प्यार से मैं बाबू बोलती थी उनको. और जैसे मुझे था कि बस मैं घर जाके उनसे शेयर कर लूँ. और जब मैंने उनसे शेयर किया, और वो ना मतलब जो आपको प्यार करते हैं ना वो आपके बिगेस्ट सपोर्टर्स होते हैं, आपको हमेशा हाइप करते हैं. जैसे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह हैं, रुचिका, मानसी, स्वाति, मोनिका, ये लोग सब मेरे को ना जैसे मैं इतना सा काम करूँगी तो उसको इतना बड़ा करके दिखाएंगे कि ओह यू आर तो ग्रेट. के वो तो यही फ्रेंड्स होते हैं, ये आपको मतलब कि छोटी अचीवमेंट को भी बहुत हाइप करते हैं और आपको हमेशा हाइप करते हैं. तो ऐसे ही वो थे. तो मतलब जब मैंने उनको दिखाया कि ये मेरे को ऐसे स्कॉलरशिप मिली है, ओफ वो तो मतलब ही वॉज ऑन 7th हेवन. ही हग्ड मी, ही किस्ड मी. इसलिए नहीं कि एक अमाउंट कोई मिला है, मतलब ही वॉज सो हैप्पी कि मतलब मेरे बेटी को ऐसे ही मतलब इतना अच्छा वो मिला. सो हाँ, वो इंस्टेंस मुझे याद आया. आप भी मुझसे अपना शेयर करना. अगर आप भी किसी से ऐसे एक बहुत क्लोज बॉन्ड शेयर करते हो ना तो जस्ट लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन.